New Hope TV, your encounter with God. Now I'm going to talk to you about something that's very powerful. अब चर्चा करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली बात पे. Yes, Joseph was revealed to Egypt during the famine. He rose to prominence during the famine. जी हाँ, यूसुफ उदय हुआ, यानी प्रकट हुआ अकाल के दौर में उस इलाके में. But there was somebody else also who rose to prominence during the famine. लेकिन हम देखते दूसरा भी एक व्यक्ति था जो उस प्रांत में उदय हुआ उस अकाल के दौर में. His name was Benjamin. उसका नाम था बिन्यामीन. Now Benjamin is a very interesting person. और बिन्यामीन बहुत दिलचस्प व्यक्ति था. I want to show you how Benjamin was born. आपको बताना चाहते हैं कि कैसे बिन्यामीन का जन्म हुआ. When it all began. और कैसे इसकी सब शुरुआत हुई. If you want to understand a person, you need to understand the roots of that person. अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, जरूरी कि उस व्यक्ति की जड़ को समझ जाएं. And then you really know how that person is and who that person is. फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दरअसल वो व्यक्ति है कौन. So let's talk about Benjamin right now. चलिए बात करते हैं बिन्यामीन के बारे में. So go with me to the book of Genesis, chapter 35 and verse 18. और आइए निकालेंगे उत्पत्ति का 35वां अध्याय है, उसका 18वां वचन. And as her soul was departing, for she died, she called his name Benoni, son of my sorrow. देखिए वचन में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा. Rachel, the mother of Benjamin, she died as she was giving birth. हम देखते हैं राहेल जो थी, जब वो बच्चा पैदा करती कर रही थी, उसी वक्त वो मर गई. Thank God for good medical facilities this time. लेकिन हम देखते हैं राहेल को, जब बच्चा उत्पन्न करते हैं समय प्रसव से बहुत मुश्किल, ऐसा जैसे कि मर ही रही थी. She is naming her son Benoni, meaning the son of my sorrow. और जब वह गर्भ में यहाँ पे देखते प्रसव करते समय इतना दर्द से उसे गुजरना पड़ा और बच्चा उत्पन्न करते समय देखे उसने अपने बच्चे का नाम बेनोनी यानी कि मेरा शोक का बेटा. Go to Genesis 35 verse 18 again. But his father Jacob called him Benjamin, son of my right hand. आगे देखते हैं, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, मतलब मेरे दाहिने हाथ का बेटा. The father intervenes. He says, "No, he's not going to be the son of my sorrow. He's going to be the son of my right hand." और देखिए उसके पिता ने बीच में दखलंदाजी करते हुए कहा कि यह बेटा जो है मेरा शोक का बेटा नहीं कहलाएगा, लेकिन मेरे दाहिने हाथ का बेटा कहलाएगा. So whenever you see the word Benjamin, it means the son of my right hand. तो जब कभी आप शब्द बिन्यामीन देखते हैं, इसका मतलब है मेरे दाहिने हाथ का बेटा. Write this down. लिख लीजिए. You know, Jacob had 11 sons. हम देखते हैं याकूब के 11 बेटे थे. 12 tribes, okay? Let's put it like this. चलिए इस तरह से बनाते हैं 12 गोत्र. 11 sons. 11 बेटे. Out of all those sons, उन सभी बेटों में से, he never named any of the sons. All the women named their sons. Leah named the sons. Rachel named the sons. But you see, Rachel was about to name the son. He intervenes and he says, "This is the only son that the father named." उसके सभी बेटों में से कभी किसी का भी नाम याकूब ने नहीं रखा था, लेकिन देखते हैं कि उस बच्चे की माँ ने, चाहे वो राहेल हो चाहे लिया हो, उन्होंने ही नाम रखा था. लेकिन इस बेटे के पैदा होते समय देखे पिता ने दखलंदाजी करते कहा कि उसका नाम ये होगा. It's interesting, right? The father naming the son. दिलचस्प है यहाँ पर कि पिता अपने बेटे का नाम रख रहा है. You see, today prophetically we are a Benjamin generation. आज भविष्यवक्ताई तौर पे देखें तो हम बिन्यामीन की पीढ़ी हैं. We all know that Jesus is sitting at the right hand of the Father. और देखिए हम सभी जानते हैं कि यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं. And the Bible says. और बाइबल कहती है. We are seated with Him in Christ in heavenly places. Come on. हम उसके साथ मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं. Oh, how many of you getting this right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? So prophetically, तो भविष्यवक्ताई तौर पे, we are sitting at the right hand of the Father and we are the Benjamin generation. हम पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं और हम बिन्यामीन की पीढ़ी हैं. Now you may say, oh pastor, okay, show me something more. शायद आप कह रहे हो पासवान जी ठीक है, चलिए कुछ और बताएं. I want to show you something very interesting. Write this down, please. आपको दिखाना चाहते हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प, लिख लीजिए. You see, Rachel in the Hebrew means lamb, lamb, memna, lamb. और देखिए अगर राहेल का अगर नाम देखे इब्रानी भाषा में lamb यानी memna, memna होता है. Benjamin was born to Rachel, the lamb. हम देखते हैं कि बिन्यामीन ने memna यानी राहेल से जन्म लिया. But the lamb died. लेकिन memna मर गए. And then Benjamin was born. फिर उसके बाद बिन्यामीन का जन्म हुआ. It was through the death of the Lamb of God on the cross that we came out. That was His church. That's you and me. हम देखते हैं परमेश्वर का मेमना जो क्रूस पर मरा, उसी में से हम
कलीसिया निकल कर आए. So the whole Bible is, it's, you know why I call the Bible God's book? Because no man can write such stuff. और क्यों बाइबल को परमेश्वर की पुस्तक पासबन जी कहते हैं? इसलिए क्योंकि किसी इंसान ये चीज नहीं लिख सकता. That's why you must read the Bible. और इसी वजह से आपको बाइबल पढ़नी चाहिए. It's not a book of stories. ये कोई कहानी की पुस्तक नहीं है. To the ordinary man, it's stories. ये मामूली व्यक्ति के लिए कहानी जैसे लगेगी. But as you go deeper into the word, लेकिन वचन में जैसे आप गहराई में जाते हैं, it's all prophetic. ये सब भविष्यवाणी के तौर पे है. When you reach that level, जब आप उस स्तर तक पहुंचते हैं, prophetic anointing will come upon your life. भविष्यवाणी का अभिषेक आपकी जिंदगी पर आएगा. Prophecy is not only about calling names and numbers. In the first service, God gave me somebody's bank account number. और भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि आप किसी नाम या किसी नंबर बुला रहे हैं. देखिए पहले समय किसी का बैंक अकाउंट नंबर पासवर्ड जी पर परमेश्वर ने प्रकट किया. Jesus. So you see, it's not only about names, numbers. Now nobody puts their bank account number on Facebook, right? आजकल Facebook से मिला रहेगा. और नंबर का मतलब भी भविष्यवाणी नहीं होता. कोई भी देखे बैंक अकाउंट का नंबर जो है Facebook नहीं डालता. माँ का नाम किधर है, क्या है, कैसे. सच में हूँ. This is prophetic. This is the anointing. So you see, we were birthed through the Lamb of God when He died for us. We were birthed through Him. The church was born. That's you and me, the Benjamin generation. तो आप देखते हैं जब परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वो मेमना जब क्रूस पर मरा, उसमें से कलीसिया हम निकल कर आए. हम बिन्यामिन की पीढ़ी हैं. That's the Benjamin generation. यही तो बिन्यामिन की पीढ़ी है. Lift your hands and say, I am the Benjamin generation. अपने हाथ लगाकर कहें, मैं बिन्यामिन की पीढ़ी में से हूँ. The son of the right hand. Hallelujah. दाहिने हाथ का बेटा. Hey, you know how we now many people say, why right hand? The right hand doesn't mean that God doesn't have a left hand. Okay? और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं दाहिना है क्यों? दाहिना का मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास बायां हाथ नहीं है. The right hand always speaks of importance and power. दाहिना हाथ जो हमेशा बताती है सामर्थ्य और अधिकार के अहमियत को. You know many people say this is his right hand man. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ये उसके दाहिना हाथ का व्यक्ति. What it means is, इसका मतलब क्या है? It doesn't mean that he doesn't have a left hand. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बायां हाथ नहीं. It means that this person is important. इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है. Genesis 43:16. उत्पत्ति का 43वां अध्याय उसका 16. Now let me go a little deeper now. चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं. All right, here we go. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house. उनके साथ बिन्यामिन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा. Now, if you read the Old Testament, अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, there are many similarities between Joseph and Christ. तो हम देखते हैं वहां पर यूसुफ और यीशु मसीह के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं. Joseph was greatly loved by his father. हम देखते हैं यूसुफ को उसका पिता बहुत प्यार करता था. Jesus was loved by his father. हम देखते हैं यीशु को भी पिता बहुत से बहुत प्यार था. Joseph got a multicolored coat. हम देखते हैं कि यूसुफ के पास रंग बिरंगा कपड़ा वस्त्र पहना गया. Jesus got a multi-dimensional anointing. हम देखते हैं यीशु के पास बहुत सारे आयाम का अभिषेक रहा. Joseph had a Gentile bride, though he was a Hebrew man, Asenath, daughter of Potiphar. And Jesus had a Gentile bride. और हम देखते हैं यीशु के पास भी अन्य जाति की पत्नी. Tell your neighbor, you and me, the church. I can go on and on. और ये सारी बात आपके सामने रख सकते हैं. I can go on and on. लगातार. Joseph was hated by his brothers. हम देखते हैं यूसुफ के उसके भाई ने नफरत किया. Jesus was rejected by his own people. हम देखते हैं यीशु को उसके खुद के लोगों ने ठुकराया. Jesus, Pastor, but wait. पास्टर जी रुकिए जरा. Jesus rose again from the grave. और हम देखते हैं यीशु कब्र में से जी उठे. In a sense, prophetically, Joseph's bones were carried out of Egypt back to Israel, Canaan land. वैसे देखते हैं कि भविष्यवक्ताई तौर पर यूसुफ की हड्डियों को ले जाया गया. So there are many similarities. तो बहुत सारी समानताएं पाते हैं हम यहाँ. Now Joseph is a type of, is a symbolic of Christ. तो हम देखते हैं यूसुफ जो है यहाँ पर मसीह का एक प्रतीकचित्र के रूप में देखा जाता है. Now whenever I say Joseph, now look with this understanding. See, Joseph saw Benjamin. How does the Lord look at us? और देखे यूसुफ ने बिन्यामिन को देखा. प्रभु हमें कैसा देखता है? This is prophetically how the Lord Jesus Christ would look at you and me, the Benjamin generation. God. वैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बिन्यामिन की पीढ़ी को देखते हैं. हालेलुया. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of the house, take these men to my home, slaughter an animal, make ready, for these men will dine with me at noon. उनके साथ बिन्यामिन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे. When the Lord looks at you, जब प्रभु आपकी ओर देखता है, what does he want? क्या वो चाहता है? He wants fellowship.
वो संगति चाहता है. When he looks at us, जब वो हमारी ओर देखता है, he said, I don't want anything from you. वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए. But in the book of Revelation, he says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, I will come into him and he with me, and we will dine together, we will sup together, we will have fellowship together. अच्छे वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि दरवाजे मैं दिल के दरवाजे के आगे खड़े होकर दस्तक देता हूँ और जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और फिर हम साथ बैठ के भोजन करेंगे. और ये है संगति करना, सहभागिता करना. Doesn't matter, sir, if you are poor, doesn't matter if you have no money in your bank account. What does the Lord want? He wants you to fellowship with Him. Maybe you're broken. Maybe you're like gone. He says, Benjamin, when I look at you, I want you, your fellowship. तेरी संगति में चाहता हूं. शायद हो सकता है कि आप गरीबी में हो, आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी ना हो, शायद आप एकदम टूटे हुए व्यक्ति हो, लेकिन जब परमेश्वर आपको देखता है, प्रभु यीशु आपको देखता है, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं, सहभागिता करना चाहता हूं. With this understanding, read this verse. इस समझ के साथ आइए इस वचन को पढ़ेंगे. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, the next thing I want to tell you. और जब यूसुफ ने देखे बिन्यामिन को देखा उनके साथ में, तो उसने अपने घर के अधिकारी से कहा. Now listen, it doesn't speak about the name of the steward is not mentioned. और देखिए उस घर का जो सेवक जो था, अधिकारी जो था, उसका नाम यहाँ दर्ज नहीं. In many Old Testament stories, the name of the steward is not mentioned. और देखिए पुराने नियम की बहुत सारी कहानियों में जो सेवक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका नाम दर्ज नहीं होता. Why? क्यों? Because the steward is again a picture, a prophetic picture of the Holy Spirit. फिर से हम देखते हैं यहाँ पर वो सेवक कहे या अधिकारी कहे, भविष्यवक्ता ही चित्र में देखा जाए, पवित्र आत्मा का. The Holy Spirit doesn't draw attention to himself, but his primary ministry is to lift up Jesus. पवित्र आत्मा लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता है, लेकिन उसकी मुख्य सेवकाई है यीशु की ओर उठाना. I want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इसे समझ जाएं. No man can write this. कोई इंसान इसे नहीं लिख सकता. There cannot be so many coincidences. और बहुत सारे ऐसे इत्तफाक इसमें यूं ही नहीं आ सकते. That's why there is no Hebrew word for the word coincidence. और इसी वजह से देखिए इब्रानी भाषा में इत्तफाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है. देख लो भाई, मैंने तो देख लिया. इत्तफाक, एक इत्तफाक नहीं सर, हिब्रू में ये शब्द इत्तफाक ही नहीं है, क्योंकि जीवन में इत्तफाक की नाम की कोई चीज ही नहीं है. एक योजना होती है. I just met my wife, you know. We were just at the counter and I met my wife. Today you have two children. They are doctors and engineers in this. इत्तफाक से मैं मिला उसे. नहीं सर, परमेश्वर खुदा की योजना थी, इसलिए आपने. इत्तफाक से मैं गुजर रहा था, कोई तो मुझे आके मेरे घर के बारे में बताया. इत्तफाक नहीं सर, आप संडे के दिन आए थे, आपने प्रार्थना की और इत्तफाक हुआ. There's no word for coincidence. और ऐसे इत्तफाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है. There's no word for coincidence. कोई ऐसे शब्द ही नहीं है इत्तफाक के लिए. So you see, Jesus said that when the Holy Spirit will come, He will glorify me. तो यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, तो वो मेरी महिमा करेगा. You see Joseph talking to the steward. He's saying, steward, prepare the food for them. We're going to have fellowship. How do you have fellowship? You have fellowship with the Holy Spirit. The Bible says in Book of Corinthians, the fellowship of the Holy Spirit. यहाँ पर यूसुफ अपने घर के सेवक से कहता है कि जाकर सब कुछ तैयार करो और हम यहाँ पर जश्न मनाएंगे, संगति करेंगे पवित्र आत्मा का पुस्तक. Paul writes to the church, the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit. पौलुस लिखते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता. The steward was responsible for their fellowship with Joseph and his brothers. The Holy Spirit is responsible for the fellowship between you and Jesus. हम देखते हैं सेवक ही जिम्मेदार था उनके भाइयों और यूसुफ के बीच में संगति कराने के लिए, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी आपके और यीशु के बीच में संगति और संबंध बनाने के लिए. चलिए आगे बढ़ें. Genesis 43:29. उत्पत्ति का अध्याय 43 का 29वां वचन. Then he lifted his eyes, Joseph. Now speaking about Joseph. How does God see us? ये कैसे परमेश्वर हमें देखता है? God, do you love me? परमेश्वर क्या मुझसे प्यार करता है? God, what do you think about me? प्रभु आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? I messed up in the morning. सुबह मैंने बहुत गड़बड़ी कर दी. I fought with my wife. अपनी पत्नी से मैं लड़ा. And I beat up my children. अपने बच्चों को पीटा भी मैंने. I threw my phone. अपना फोन उठा के फेंक दिया. Prophecy. भविष्यवाणी. Jesus. कोई कोई नीचे देख रहे शिकार यार, इसको कैसा पता मालूम इसका. Before coming to the church, maybe you had a fight. तू क्या सोचता है अपने आप को? मैं ब्रदर को सब बता देगा आज. जा बोल, मैं भी बताएगा. Prophecy. Genesis 43:29. उत्पत्ति का अध्याय 43 का 29वां वचन. Then Joseph lifted his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, "Is this your younger brother of whom you spoke to me?" And he said, "God be gracious to you, my son."
तब यूसुफ ने अपनी आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह। When Joseph saw Benjamin very close, the first words that came out of his mouth is, God be gracious to you. जब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा तो पहला शब्द जो उसके मुंह से निकल कर आया, उसने कहा, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। These were words of grace. These were words of favor. और देखिए, ये अनुग्रह, ये भलाई के भरे हुए शब्द हैं। So when the Lord sees you today, he sees us, the Benjamin generation, how does he see us? He speaks words of favor and grace upon our lives. तो जब परमेश्वर आज हम सबको बिन्यामीन पीढ़ी के हम लोगों को जब देखता है तो वो किस तरह से देखता है और क्या वो बोलता है? वो हमारे ऊपर अनुग्रह और भलाई के शब्दों को बोलता है। He does not condemn us. वो हमारी निंदा नहीं करता। You fellow, you talk rubbish. Come here. तुम सब बेवकूफी की बातें करते हो। No. नहीं नहीं नहीं। When he sees you. जब वो आपको देखता है। Second thing. दूसरी चीज़। How does the Lord see you? प्रभु कैसे आपको देखता है? He doesn't see your weaknesses. वो आपकी कमजोरियों को नहीं देखता। He says, my son. वो कहता है, मेरा बेटा। My daughter. मेरी बेटी। He looked at that adulterous woman. उसने उस व्यभिचारी महिला को देखे। And says, daughter, I don't condemn you. और उसने कहा कि बेटी, मैं तेरी निंदा नहीं करता। Everybody saw her differently. हर एक व्यक्ति, दूसरे हर एक व्यक्ति ने उसे बिल्कुल अलग तौर पे देखा। No matter how beautiful the daughter is, no matter how this thing for a mother and for a father, a daughter is a daughter. चाहे वो बेटा या बेटी कैसी भी क्यों ना हो, अपने माता पिता के लिए वो उनको बहुत ही प्रिय होते हैं। एक माँ का देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। बेटा कितना भी हैंडसम हो, कितना भी रूपवान हो, लेकिन वो माँ के लिए बेटा ही होता है, बेटी ही होती है। That's the way God sees you. इसी तरीके से परमेश्वर आपको देखता है। You see that, church? आप देख सकते हैं। So when the Lord Jesus sees you today, तो जब प्रभु यीशु मसीह अगर आज आपको, He knows you have taken time out to come. You had some other work. He sees you. You have come here today, and He speaks a word of blessing over you. He says, "My son, may the Lord be gracious to you." और वो जानता है कि आपके पास दूसरे काम थे, लेकिन समय निकालकर आप यहाँ पर आए। यीशु मसीह आपको देखकर कहता है, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह। People have spoken bad words and curses and this and against you, but how does God speak about you? He says, God be gracious to you. लोगों ने आपके बारे में शाबित बातें बोली yes. हैं, नकारात्मक बातें बोली हैं, दोष आरोप लगाए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है? वो कहता है, तुम पर अनुग्रह करे। So the first thing, he desires fellowship. Second thing, he speaks words of grace over our lives, our favor over our lives. तो सबसे पहली चीज देखिए, वो लालसा करता है संगति करने का। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो हमारी जिंदगी पर भलाई और मेहरबानी अनुग्रह की बातें बोलता है। Let me take you a little deeper. Zephaniah 3:17. चलिए जल्दी से निकालेंगे सपनिया, उसका तीसरा अध्याय 17वां वचन। I've seen all my, even Abigail and Anita used to take the kids, and you know, mothers know to sing some song. If they don't know, also they'll make up some song. How many mothers do that? कितनी माएं करती हैं ऐसा? You know, they used to sing baby, and I used to tell Anita, Anita, you're mixed up to two choruses. She says, forget it. This is not for you. This is for the baby. God bless all the mothers. Come on. परमेश्वर सभी माओं को आशीष दे. Yeah. Zephaniah 3:17. सपन्याह का तीसरा अध्याय 17वां वचन. The Lord God is in your midst. सपन्याह का तीसरा अध्याय 17वां वचन. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है. तेरे बीच में है. किसी बादल पे नहीं बैठा हुआ है और उसको स्वर्गदूत पंखा मार रहे हैं, तेरे बीच में है। Say the Lord is here right now. सब लोग प्रभु यहां है इस वक्त। Say the Lord is here right now. बोले प्रभु यहां है इस वक्त। By your confession, you're calling the Lord right now. Hey. अपने अंगीकार के जरिए प्रभु को बुला रहे हैं इस वक्त। Go home and say the Lord is here right now. Poof, the anointing will come. घर जाकर बोले प्रभु यहां है, अभिषेक आ जाएगा। There was a great servant of God. Everybody asked him, how does the anointing come in your services? He says, I always say the Lord is here. 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 कैसे ऐसा होता है कि आपकी सभा में अभिषेक बहुत होता है? उन्होंने बताया कि मैं हमेशा कहता था प्रभु यहां है, प्रभु यहां है। What you confess, you will possess. Hey. जो आप कहते हो वही आप पाएंगे। The Lord is in our midst. प्रभु हमारे बीच में है। The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हाँ, when the baby is crying, the mother doesn't say, "Shut up, तेरी तो." जब बच्चा रो रहा था, माँ उसे चीखते चिल्लाते उस पर चुप होने को नहीं कहती। Oh, the mother does all some नाटक, लाड and all that stuff. We men can't do that, you know. You have to learn some course, you know. He will rejoice over you with singing. वह उच्च स्वर से गाता हो तेरे कारण मगन होगा। That's how he, when he sees you, he does that. ऐसा ही होता है जब वो आपको देखता है तो करता है। Church, Kalisia, I don't know about you. आपके बारे में पता नहीं। When I look at these scriptures, जब इन वचनों को देखते हैं पासवान जी, I believe them. विश्वास करते हैं मैं। Because that is how
क्योंकि इसी तरह से God sees me today because of Jesus. परमेश्वर हमें देखता है यीशु की वजह से. He doesn't see through the lens of the Ten Commandments. He sees us through the lens of grace and favor. और देखिए वो दस आज्ञाओं के दृष्टिकोण से हमें नहीं देखता है, लेकिन वो देखता है अपने अनुग्रह और भलाई के दृष्टिकोण से. Monday, Tuesday, you are good. Wednesday, Thursday, you are crap. Minus. No. He sees you with love. वो प्रेम से आपको देखता है. Today. आज. Don't run away from him. आज परमेश्वर से दूर मत भागो. Draw close to him. उसके करीब आओ. Your physical father must have abused you. Your physical family must have abused you. But you don't have to run away because of that. Come to him. He will touch you and he will make you a healer and send you back to your family. आपके शारीरिक receive this word. Receive this word right now. सगे संबंधियों ने आपका शोषण किया होगा. लेकिन वैसा ही परमेश्वर के साथ मत करें. आपसे उससे दूर मत भागें. वो आप उसके नजदीक आएं. लोगों ने तुमको धोखा दिया. खुदा धोखा नहीं देगा. नहीं देगा सर. नहीं देगा. This is there's something interesting I want to show you. Genesis 43 verse 3 and 4. But Judah spoke to him saying, "The man solemnly warned us, 'You shall not see my face unless your brother is with you. If you send our brother with us, we will go down and buy you food.'" तीसरा चौथा वचन पढ़ेंगे. तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, अगर तुम तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ न आए तो तुम मेरे सामने न आने पाओगे. इसलिए अगर तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे. Now notice this. गौर करें यहां. Joseph had warned his brothers. यूसुफ ने अपने भाइयों को चेतावनी दे रखा था. He does not see Benjamin. कि जब तक वो बिन्यामिन को नहीं देखता, they would neither see his face, ना उसका चेहरा देख पाएंगे, neither they would receive food for their famine. ना ही वे अकाल में अपने परिवार के लिए कोई खाने पीने की चीजों को पा सकेंगे. Look carefully. गौर करें. Today, आज, you and I, the Benjamin generation, are in his presence. आज आप और मैं बिन्यामिन की पीढ़ी हम उसकी उपस्थिति में हैं. The moment the Benjamin generation comes in his presence, जिस पल बिन्यामिन की पीढ़ी उसकी उपस्थिति में आती है, टू थिंग्स हैपन. दो चीजें होती हैं. गॉड रिवील्स हिमसेल्फ. परमेश्वर अपने को उन पर प्रकट करता है. एंड ही रिलीजेस द फूड, द रेवलेशन ऑफ द वर्ड. नॉट ओनली द रेवलेशन ऑफ द वर्ड, बट ही ऑल्सो रिलीजेस फिजिकल ब्लेसिंग्स. परमेश्वर उस आहार को देखे वचन को प्रकट कर देता है. और सिर्फ वचन को ही नहीं, लेकिन जो बहुत ही आशीष है वो भी मुक्त करता है. दैट्स व्हाई, इसलिए फर्स्ट थिंग, पहली चीज that Joseph said to Benjamin after he saw Benjamin was to the steward, serve them. Everyone says serve the bread. Pehli cheez jo Yusuf ne apne sevak se kaha, serve the bread. He saw Benjamin. Usne Binyamin ko dekha. He told serve the bread. Roti pesh karo. Look at this. Dekho. 43:31. Then he washed his face, came out and restrained himself and said serve the bread. Fir apna muh dhokar nikal aaya aur apne ko shant karke kaha bhojan paroso, roti paroso. Listen. When you come into his presence, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, that's why church make it a habit, not just you know once in a week like hallelujah, go on to church on Sundays. No, make it a habit daily to come into his presence. एक आदत बनाएं कि आप हर दिन उसकी उपस्थिति में आएंगे. You will see the face of God. आप परमेश्वर का चेहरा देख पाएंगे. Revelation, प्रकाशन. And the Lord will serve you the word of God. और परमेश्वर आपके सामने अपने वचन को परोसेगा. सेकेंडली, दूसरी चीज, द थिंग इज नॉट ओनली द वर्ड ऑफ गॉड इन नरिशमेंट, ही विल आल्सो रिलीज फिजिकल फूड ब्लेसिंग फॉर यू इन जीसस नेम. सिर्फ परमेश्वर अपने वचन का पोषण ही आपको नहीं देगा, लेकिन शारीरिक आशीषें जो है भौतिक जरूरतों को भी पूरा करेगा. मेनी पीपल थिंक, बहुत सारे सोचते हैं, दैट इन दिस टाइम, इस समय काल में, दे कैन ऑपरेट विद देयर यू नो विद देयर एबिलिटी, विद देयर नॉलेज, यू नो. अरे डर मत, मैं ऐसा करेगा वैसा करेगा. सर, Top fellows have failed. I don't know about you. You're only reading things in the newspaper. आप अखबार में सिर्फ मुख्य मुख्य चीजों को पढ़ते हो. I've got people, you know, I don't know them much, but they write to me and say, Pastor, this is happening. This is happening. Please pray. Top minds. And I think that with our minds we can make it. आप और हम सोचते हैं कि अपने दिमाग के सहारे हम कर लेंगे. Think by our strength we will make it. अपने ताकत से हम कर लेंगे. Then how can we make it? कैसे हम करेंगे? Every day, हर दिन. You're a businessman. आप एक व्यवसायी हैं. You're a housewife. आप गृहिणी हैं. You're working somewhere. आप कहीं काम करते हैं. You're a pastor. आप एक पासबान हैं. Get into his presence daily. हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आएं. And when the Benjamin generation gets into his presence, और जब बिन्यामिन की पीढ़ी प्रभु की उपस्थिति में आती है, the Lord will reveal his face. प्रभु अपना चेहरा उन पर प्रकट करेगा. The Bible says in the book of Numbers, one of the blessings the priest would speak over the people is, let his face shine upon you. और देखते हैं गिनती की पुस्तक में एक जो आशीष जो याजकों को बोलना होता है उनके लोगों पर, वो ये है कि प्रभु का मुख तुम्हारी ओर चमके. So when you get into his presence, his face shines upon you. That means favor will come upon you. तो जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं और उसके मुख का प्रकाश
प्रकाश आप पर चमकता है, इसका मतलब यह है कि भलाई आप पर आ गई है। The second thing is serve the food. और दूसरी चीज भोजन परोसो। You will have a revelation, you will have an understanding in your marriage, in your children, in your finances. Something will be different about you. आपको प्रकाशन मिलेगा, देखिए आपके शादी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, कुछ ना कुछ खास आपके बारे में हो जाएगा। How to run your business? कैसे अपना व्यवसाय चलाना है? Everybody has the business. हर एक के पास व्यवसाय है। But that revelation, that understanding will come in your spirit. Hallelujah. वो प्रकाशन, वो समझदारी जो आपकी आत्मा में आएगा। अब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, you may not be very educated, no problem. But that understanding, पढ़े लिखा लिखना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से साथ रह नहीं सकते हैं, और बेचारे गरीब लोग जो रस्ते पर है ना, वो कांदा चटनी भाकरी खाके भी हंस रहे हैं। Why? It's an understanding. ये एक समझ है. It's an understanding. ये एक समझ है. You're living in two bedroom flat. Your dog is cold. One AC for your dog, like ना. अब बोले दो bedroom flat में रहते हैं आप. कुत्ते के लिए bed है. इसका खाना है. I'm telling you. कहते हैं आपसे. Thank God, I love dogs. Okay. परमेश्वर का धन्यवाद. But that understanding is not there. लेकिन वो समझदारी वहाँ नहीं है. एक दूसरे से क्या क्या क्या. You talk like that to your wife. I'm telling you, and then you invite the neighbor. कल चर्च को आ, बाबा चर्च को नहीं आने, तुम लोग ऐसा बात करते, मैं ना. You have no witness, you have no power. आपके पास कोई साक्षी की सामर्थ नहीं, कोई. हम लोग ठीक है, हम लोग अच्छे हैं. So when you enter His presence, तो जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं. Some people are praying, Lord, give me life partner, give me life partner, give me life partner. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी दे. After one month, एक महीने के बाद, brother. भाई, please pray for another partner. मेरे बारे में प्रार्थना करो और एक पार्टनर के लिए. तो क्या हो गया? वो बोला ठीक नहीं था. I repented. अच्छा, repent तो मेरे पर क्या है? नेताला मी Facebook पर भेट ली तो छान दिसत होता, ससाल तसाल. ए, no, ये सच बोल रहा हूँ मैं. I am not joking. त्याची DP बघितली आणि मला काहीतरी झालं लागलं. ए, what rubbish? DP 25 फिल्टर डाला है वो. पच्चीस फिल्टर में पहचान में नहीं आएगा. आधार कार्ड वाला फोटो देख के शादी करना. No, really, listen to me. सचमुच. Don't mess it up. Why you make mistakes? क्यों आपसे गलतियाँ होती हैं? Because you don't come into His presence. Neither His face is shining upon you. There is no bread, no understanding served. You're just walking sukka. आप उसकी उपस्थिति में नहीं आते, जिस वजह से कोई प्रकाशन आपके पास नहीं है. अरे बाबा जाऊनो को जाऊनो ना जाना तेरी तो जाना. This is how the youngsters are. This is इसी तरीके से नौजवान लोग होते हैं. You put your money somewhere, then you say, Pastor, अटक गया, पैसा अटक गया. बोलो तो 25% देगा, 30% देगा. अभी तो गया. No, is this true what I'm saying? सच है ये. इधर स्विमिंग पूल आएगा, उसके बाजू में प्ले एरिया है. देखा क्या तो स्विमिंग पूल ने? पेपर पे देखा पास्टर. नो अंडरस्टैंडिंग, कोई समझदारी नहीं. सो व्हाट इफ यूर PhD, सो व्हाट इफ यूर BSc, ABC, व्हाटएवर, XYZ. दिस इज फॉर द सिंपल पीपल, ये सीधे साधे लोगों के लिए. बिकॉज द वर्ल्ड वॉज अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, यू नो. व्हेन यू लर्न, व्हेन यू लाफ, it goes inside. जब आप हंसते हुए कुछ सीखते हैं ना, तो ये आपके अंदर चला जाता है. So when you come into His presence, when Benjamin comes into His presence, you see His face, you receive, he serves the bread for you, you get an understanding, and you say, I will never make a mistake again in my life. जब बिन्यामीन प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसका चेहरा चमकता है. भोजन परोसा जाता है, और आपके पहले जैसे आप नहीं रहेंगे. Say it, everyone. सभी लोग कहें. Benjamin is revealed in the famine. बिन्यामीन प्रकट होते हैं. Benjamin will rise in the famine. बिन्यामीन ऊंचा उठेंगे अकाल में. And I prophesy, so will you rise in the famine. और भविष्यवाणी करते हैं, आप भी वैसे अकाल में ऊंचा उठेंगे.